Shri Durga Mallikarjun Swami Devalayam, Chinna Voltaire, Vishakhapatnam. Andhra Pradesh mein Vishakhapatnam ke Chinna Voltaire mein bane Shri Durga Mallikarjun Swami Devalayam mein Bhagwan Shiv aur Adi Shakti Mata Parvati apni sampurna mahima ke saath virajman hain. Mandir ke vishal aur sundar pravesh dwar ko dekhkar hi mandir ki bhavyata ka andaza ho jata hai. Bhola Bhandari. मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं द्वार स्तंभों पर नमस्कार की मुद्रा में खड़े दो शेरों के. विशाल प्रवेश द्वार के दोनों तरफ खड़े ये शेर मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत करते हुए से लगते हैं. प्रवेश द्वार के शीर्ष पर भगवान शंकर के साथ श्री गणेश तथा भगवान कार्तिकेय विराजमान है. तेरी महिमा न्यारी. श्याम वर्ण शंकर भगवान यहाँ अपने चतुर्भुज महामृत्युंजय रूप में विराजमान हैं. शंकर भगवान के एक ओर श्री गणेश हैं, तो दूसरी ओर बाल कार्तिकेय अपने वाहन मूषक के साथ बैठे श्री गणेश की ये प्रतिमा दक्षिण भारतीय शैली में ढली है. हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र परशु पाशु और अंकुश के साथ अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते श्री गणेश हर रूप में मन मोहते हैं. हाथ में भाला लिए अपने वाहन मोर पर सवार कार्तिकेय दक्षिण भारत के आराध्य देव हैं. घाट के पट पे पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तु शैली में बने इस मंदिर का परिसर काफी विशाल और भव्य है. ज्ञान से बढ़कर नहीं है कुछ भी. मंदिर के बाहर भक्तगणों के बैठने की खास व्यवस्था की गई है. उनके बैठने के लिए कुर्सियों के साथ तेज धूप से बचने के लिए तालपत्री का भी प्रबंध किया गया है. ज्ञान की जो जगाए. विभिन्न रंगों से बने इस मंदिर के शीर्ष पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान हैं. उनके दोनों ओर उनके दोनों पुत्र भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय सेवकों की भांति खड़े हैं. इन प्रतिमाओं के समक्ष भगवान शंकर के वाहन नंदी बैल के साथ शक्ति रूपा माँ पार्वती का वाहन शेर मौजूद है. दक्षिण भारत में मंदिर की बाहरी बनावट तथा गुंबज को गोपुरम कहते हैं, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक खास अंग है. गोपुरम पर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की छवि मन को आकर्षित करती है. एक ओर जहां वे एक आदर्श युगल के साथ एक आदर्श माता पिता की छवि का निरूपण करते हैं, वहीं दूसरी ओर श्री गणेश और कार्तिकेय आदर्श पुत्रों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. मंदिर के गोपुरम का शीर्ष भाग पीले रंग से रंगा है, जिस पर स्थित स्वर्ण कलश की आभा दूर से ही नजर आती है. श्रद्धा से शीश नवाए यक्ष इस भाग को चारों तरफ से घेरे बैठे हैं. मंदिर के पिछले भाग में इन यक्षों के साथ दो बैल भी बैठे हैं. प्रवेश द्वार के शीर्ष पर भगवान शंकर तथा माता पार्वती की प्रतिमा के अलावा गोपुरम के चारों ओर भगवान शंकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं. हरियाली के बीच बने इस विविध रंगी मंदिर की छटा हर मौसम में एक समान रहती है. यही वजह है कि यहाँ आने वाले भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती. भगवान शिव को बिल्व पत्र धतूरे के पुष्प तथा प्रसाद में भांग अति प्रिय है. विशेष रूप से श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन मंदिर में काले पत्थर से बने शिवलिंग की पूजा दूध दही घी शहद शक्कर इन पांच अमृत तुल्य वस्तुओं से की जाती है. पृथ्वी तारी इससे बने पदार्थ को पंचामृत कहा जाता है. गर्भगृह में पुजारी जी द्वारा शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उस पंचामृत को प्रसाद स्वरूप निकाल लेते हैं, जिसे आरती के बाद भक्तों में वितरित किया जाता है. तेरी महिमा न्यारी, बम बम भोला भंडारी. मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद इत्र चढ़ाकर कपूर से भगवान शिव की आरती उतारी जाती है.
गर्भगृह में शिवलिंग के रूप में विराजे बाबा भोलेनाथ के पास दीप प्रज्वलित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इसी के साथ असंख्य अगरबत्तियों के सुगंधित धुएं से सारा गर्भगृह महक उठता है। घंटी, शंख, चरणामृत पात्र और कवच गर्भगृह को संपूर्ण बनाता है। भवम भवानी सहितम नमामि। शिवलिंग की आराधना के दौरान प्रसाद स्वरूप पंचामृत के निकाले गए कुछ भाग के साथ नारियल और केले रखे गए हैं। श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी देवालय के मुख्य गर्भगृह में भोले बाबा की योगी रूप में विशाल तस्वीर देखी जा सकती है। तस्वीर में शेर की खाल पहने भगवान शंकर आसन जमाए बैठे हैं। शंकरम तुम को। गले में असंख्य रुद्राक्ष की मालाओं के साथ सर्प की माला पहने भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपने नेत्रों के साथ साथ हाथों से भी आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। शेर की खाल पर आसन जमाए शंकर भगवान के पास उनका कमंडल और त्रिशूल उपस्थित है। गर्भगृह में पंचामृत स्नान के बाद बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू होता है। शिवलिंग पर गंगा जल प्रवाहित कर उसे चंदन से आभूषित किया जाता है। इस अर्चना में पुष्प का विशेष योगदान है क्योंकि यही भगवान के आभूषणों का सच्चे अर्थों में पर्याय है। गर्भगृह में शिवलिंग पर भारी मात्रा में पुष्प तथा बिल्व पत्र चढ़ाए गए हैं। शिवलिंग पर पुष्प तथा बिल्व पत्र तब तक चढ़ाए जाते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से ढक न जाए। भोले बाबा की पूजा अर्चना का पूरा कार्यक्रम पुजारी जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ होता रहता है। भगवान शिव जहां अपने कर्मों में अद्भुत हैं, वहीं अपने स्वरूप में भी रहस्यमय हैं। यदि अपने भक्त से प्रसन्न हो जाएं, तो अपना धाम उसे दे दें और कहीं गुस्सा हो जाएं, तो उससे उसका धाम भी छीन लें। धर्मशास्त्रों के अनुसार सभी देवताओं की दो आंखें हैं पर शिव की तीन आंखें हैं। दरअसल शिव की तीसरी आंख प्रतीकात्मक नेत्र है। मंदिर के समक्ष विशाल दीप स्तंभ बना है। इसके इर्द गिर्द भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया हुआ है। प्रसाद के साथ दीप स्तंभ पर हल्दी कुमकुम समर्पित की जाती है जो भक्तों की आस्था की निशानी है। इस दीप स्तंभ के आगे काले पत्थर से बना भगवान शंकर का वाहन नंदी बैल उपस्थित है। नंदी बैल पर भक्तों के चढ़ाए गए हल्दी कुमकुम बिल्व पत्र पुष्पों के साथ प्रसाद स्वरूप रखे फल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। नंदी बैल के पास ही एक छोटा सा शिवलिंग रखा है जिस पर भक्तों ने हल्दी कुमकुम और पुष्प चढ़ाया हुआ है। भगवान शंकर के दर्शनों को उमड़ी भीड़ के लिए उनके दर्शन ही बहुत हैं। मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी बैल के अलावा गर्भगृह के बाहर भी एक छोटा सा नंदी बैल स्थापित है। भगवान शंकर के वाहन नंदी बैल के चारों ओर भक्तों ने हल्दी कुमकुम दिए और प्रसाद की ढेरी लगाई हुई है। सच कहें तो ये ढेरी भगवान शंकर के प्रसाद से अपने प्यारे वाहन तथा अनन्य सेवक नंदी के लिए निकाला गया छोटा सा भाग है। विशेष रूप से मंदिर में भक्तों के लाए गए दूध दही से पूरे दिन भोले बाबा का अभिषेक चलता रहता है। अभिषेक के बाद सुगंध पुष्प तथा चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार कर आरती उतारी जाती है।
आरती की प्रज्वलित लौ को भक्त अपने सरमाथे से लगाकर आनंद की अनुभूति करते हैं। आरती की लौ को सरमाथे पर लगाने की दो वजहें हैं। एक मान्यता के अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश भक्त अपने मस्तक पर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार आरती ग्रहण करके ईश्वर की नजर उतारी जाती है। आरती के बाद भक्तों के हाथों से पुष्प लेकर भगवान पर समर्पित किए जाते हैं। अपने भगवान के दर्शन पाने को आतुर भक्तों को पुजारी जी जब टोपीनुमा पात्र से आशीर्वाद देते हैं तो लगता है उनका मंदिर आना सफल रहा। श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी देवालय के प्रांगण में प्रवेश द्वार के करीब श्री गणेश का स्वतंत्र मंदिर है। जय जय गणपति गण राजु मंगल भरण करण शुभ काजु, जय जग बदन सदन सुख दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुच शुंड सुहावन। काले पत्थरों से बनी इन प्रतिमाओं को संगठित तौर पर सफेद तथा पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। पीले सफेद पुष्प के साथ माथे पर लगा चंदन का तिलक प्रतिमा की शोभा को और बढ़ाता है। इन प्रतिमाओं के साथ श्री गणेश का प्रिय वाहन मूषक भी साथ ही है। सफेद हरे रंग में रंगे गर्भगृह में काली प्रतिमाओं की छटा अनोखी लगती है। गर्भगृह में घंटी बंधी है। गर्भगृह के द्वार पर दीप और अगरबत्ती जल रही है जो यहाँ आने वाले भक्तों के भक्तिभाव का प्रतीक है। श्री गणेश के साथ ही मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के दूसरे सुपुत्र भगवान कार्तिकेय का स्वतंत्र मंदिर है। काले पत्थरों से बने भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हैं। बाल रूप श्री कार्तिकेय लंबे खुले बालों में माथे पर चंदन लगाए खड़े हैं। उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मंदिर के प्रांगण में एक गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ है जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विशेष पूजनीय है। मंदिर में दर्शन कर भक्त यहाँ दिया जलाना नहीं भूलते। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दिया जलाने वालों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तुलसी की क्यारी के साथ प्रांगण में एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष के साये तले सर्प देवताओं की कई प्रतिमाएं रखी हुई है। भगवान शंकर के प्रिय इन सर्पों पर भक्तगण हल्दी कुमकुम और पुष्प के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं। श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी देवालयम भगवान शिव जी की अलौकिक सत्ता से ओतप्रोत है। यहाँ होने वाले प्रमुख पूजा पाठ में बिल्व अर्चना और महान्यास पूर्वक एकादशा रुद्राभिषेकम के अलावा हर महाशिवरात्रि को लिंगोद्भव कला अभिषेक किया जाता है। इन सभी अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिर की ओर उमड़ पड़ती है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के मुहाने पर उत्तर में स्थित भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक तथा सुरक्षित समुद्री बंदरगाह है। ये भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। यहाँ जलयान बनाने का कारखाना है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के समुद्र तट देखने योग्य हैं। इसके अलावा बोरा गुफाएं, कैलाश गिरी, कंबल कोंडा वन्यजीव संग्रहालय, अराकू वैली, वॉर मेमोरियल, मत्स्य निधि एक्वेरियम भी दर्शनीय हैं। विशेष रूप से बोरा गुफाएं तथा कैलाश गिरी यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से हैं। सड़क मार्ग से विशाखापट्टनम सारे देश से जुड़ा हुआ है। साथ ही रेल मार्ग से आने वालों के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए नजदीकी एयरपोर्ट विशाखापट्टनम है जो स्थानीय शहरों के अलावा चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई तथा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी देवालयम में भूत भावन भगवान शिव की आराधना कर भक्तगण स्वयं को सौभाग्य का अधिकारी समझते हैं। श्री मल्लिकार्जुन भगवान शिव की जय।